कुणाल कामरा इज़ वन ऑफ दोज गाइज, वन ऑफ दोज स्टैंड अप कॉमेडियंस जिनको मैं जेन्युइनली पसंद करती हूँ एज अ ह्यूमन, नॉट जस्ट देयर आर्ट, नॉट जस्ट देयर सेंस ऑफ ह्यूमर. सम पीपल आर जस्ट फनी बट दे आर नॉट गुड पीपल, दे आर नॉट इंटेलिजेंट पीपल. कुछ लोग बस एफर्टलेसली पैदाइशी फनी होते हैं, कुणाल कामरा उनमें से नहीं. कुणाल कामरा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, वेरी वेल रेड ह्यूमन बींग जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, जो कि इमोशनल फूल नहीं है. कुछ लोगों के नज़दीक वो गलत करता होगा, मगर उसकी थाट्स और उसका थाट प्रोसेस अलाइंस विद माइंड, उसकी फ्रिक्वेंसी मेरे साथ मैच करती है. कुणाल कामरा प्रॉबली वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस जिनको मैंने देखा था, और आई वॉज सो इम्प्रेस्ड एंड आई वॉज लाइक कुणाल कामरा और वरुण ग्रोवर पॉलिटिकल कॉमेडी करते थे, मतलब मैं बहुत ही इम्प्रेस हुई थी और मुझे इतना मज़ा आया, इतना. मैं स्टार्ट वाली वीडियोज़ इनकी हैं, टैक्सी वाली, पाकिस्तान इंडिया वाली, लाइक माइंड ब्लोइंग. हम वीडियो देखने वाले, मुझे पता भी नहीं था कि कुणाल कामरा दोबारा से स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे. इनका कुछ आ रहा था कि हु डिड दिस मीम को रिव्यू करे थे, हु डिड दिस के नाम पे, और इन पर कुछ केसेस भी चले थे. कुछ मैं कीप अप करी थी, मगर स्टैंड अप कॉमेडी आएगी उनकी कोई, मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी उसके लिए. आई है और एक सरप्राइज है, ही हैज़ गेंड सम वेट, नॉट सम बट लाइक क्वाइट अ लॉट ऑफ वेट ही हैज़ गेंड. तो हम देख, आई डोंट नो, आई एम एक्साइटेड, रेडी टू लाफ एंड आई एम रेडी टू वॉच हिम लाइक दैट. लेट्स डाइव इन, देखते हैं वीडियो में क्या है. दोनों वीडियोज़ को रिएक्ट करेंगे पार्ट वन पार्ट टू. लेट्स डाइव इन, समय आ गया है. 3 2 1 गो. समय आ गया है. क्या बात, म्यूजिक, इलेक्शन का टाइम है, बुरा हो रहा है कुछ. अरे तू अभी आया है? तू एक काम करना, अगला शो पूरा देख लेना, और मुझे तुझे देख के भी लग रहा है तू जल्दी जल्दी में आया है ना. जल्दी में तो आया होगा यार, इसीलिए तो लेट पहुंचा है. अगर कहीं कभी समय से पहुंचना हो तो जल्दी में मत रहना, बिकॉज जो भी बंदा मैंने लेट आते हुए देखा है वो हमेशा जल्दी में रहा है. इंटेलिजेंट है ये. मैंने ट्राई किया पता है, एक बार मैं सुबह उठा 8 बजे, मेरी फ्लाइट थी 8:25 की. अभी आज फिलोसफिकल नहीं होगा तो तू क्या, मतलब 3200 रुपया वर्थ इट है यार? अभी तू भाग भाग के जाएगा वहां पे, मेरा नाना मर गया है प्लीज. ये वो हाईवे पे ना ऑयल का टैंकर स्लिप हो, क्यों बेइज्जती करा रहा है? अभी इतने पैसे तो है ना, आज फिलोसफिकल होके जाते हैं. दांत घसा, जूता पहना, बैग डाला, आज मेरा शो है. मैंने चप्पल पहना, देखो वो दिन जूता पहना मैंने. बाहर निकला, टैक्सी जा रही थी, बोला भैया एयरपोर्ट CNG भराना पड़ेगा. हवा भी भरा लेना, ऑयल चेक करेंगे, धोएंगे साथ में टैक्सी, फिर बोलेंगे. 8:25 में पहुंच गया एयरपोर्ट पे. बंदा मेरे को देखता है, मेरे टिकट को देखता है और बोलता है आपका जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है जाओ सर, हमारा क्या है, हम तो यहाँ बम ढूंढने बैठे हैं बस. आप पहले सिक्योर. हाँ, गया मैं अंदर, लाइन में खड़ा था, 11:20 की दूसरी फ्लाइट में बुक कर रहा था. चलो इतना तो ठीक है, एटलीस्ट बेइज्जती तो नहीं कर रहा है ना, आउटकम सेम है. कर रहा है बुक, सडनली खड़ी, व्हाट टाइम्स योर फ्लाइट, व्हाट टाइम्स योर फ्लाइट, कैन आई सी योर टिकट सर, कैन आई सी योर. पूरी फिलोसफी की भगा रही है मेरे को. मैं फिलोसफी के लोने आया था,
अब मेरे गले में बेल्ट है, हाथ में जूता, जेब में मोजे, एक हाथ में बैग, और मैं भाग रहा हूँ। एक आंटी वहां पे वो भागती हुई धरती के सामने सोच रही है, जाऊं नहीं जाऊं, कैसा वो आ रही है, हटो आंटी, आप लोग 4 घंटा जल्दी आते हो, ये 1 घंटा लेट आया था। भाग भाग के मैं पहुंचा गेट पे, उधर उसका खड़ा है 825 फ्लाइट, 835 यू हैव कम टू द गेट। फिर मेरा दिमाग अट गया यार, तो बोला वेंचर ये क्या है, एवरेज कंज्यूमर जैसे ट्रीट कर रहे हो, 3200 रुपए के लिए इज्जत निकाल दी मेरी। मैं यहाँ पे फिलोसफी के लोगों ने आया था, तुम दोनों में से मैंने किसी को बोला मेरे को ये फ्लाइट में बैठना है, ला बोर्डिंग पास। गया फ्लाइट में, फ्रंट रो पे मेरे को अर्नब मिल गया। अगर कहीं समय से पहुंचना हो जल्दी में मत रहना। मैं जैसे ही उसको देखा मैं बोला 1 सेकंड रुक, मैं बैग रख के आ रहा हूँ। बैग रखा मेरा, फिर मैं देखा वो सीढ़ी हटाया ना ये लोग, डन। वहाँ पे गया मैं, पहले मैं क्लियर किया अर्नब को, मैं बोला देख वो वाला ड्रामा मत करना कि तू पहचानता नहीं है, मतलब तू अपना ही चैनल नहीं देख रहा है, नहीं जानी है। ठीक है, फिर वो बोल रहे one second, I'm gonna call. इम्प्रेशन देखो तुम। जल्दी है, 5 मिनट हो गया, फिर मैं बोला देख ये वाला ड्रामा भी मत कर। कौन है ये दुनिया में जिसका तू 5 मिनट सुनेगा? है कोई? ये काला चाइना का कुछ एयरफोन डाल के रखा है, निकाला उसने। फिर बोल रहा है आई एम नॉट हियर टू डिबेट यू, आई एम नॉट हियर टू टॉक टू यू, आई एम हियर पर्सनल कैपेसिटी। बोला ये चलता है क्या बाकी सब के साथ जो तू बोल रहा है? कितना तुम्हारा कैमरामैन इधर उधर कुत्ते इधर भागता है सबके पीछे, तू ही भगाता है ना उनको, तो अभी तू कैसा पर्सनल हो गया, और प्लेन से उतरते ही तू कैसे पॉलिटिकल हो जाता है, ऐसा नहीं चलेगा ना। फिर वो मेरे को बोल रहा है यू आर नॉट मेंटली स्टेबल फॉर मी टू टॉक टू यू। फिर मैं बोला ठीक है ना, पहला डिबेट हम लोग मेंटल स्टेबिलिटी पे करते हैं। एक आंटी इधर बैठी थी, मैं वो आंटी को बोला आंटी आपको मैं 2 वीडियो दिखाता हूँ, एक मेरा एक इसका, डिसाइड करो आप कौन मेंटली अनस्टेबल। आप खाली बताओ कि मानसिक संतुलन किसका ठीक है, कौन से शिशु को बचपन में सेरेलैक मिला, और कौन सा शिशु जवानी में गाय का मूत पी रहा है, ये बताओ। तो वो बोल रहा है डोंट क्रिएट अ सीन। मैं बोला भाई अभी तक तो एक्शन भी नहीं बोला है मैंने, अब तो शुरू हुआ है, कोई बंदा फुल हंस रहा है, तो चलेगा और कोई रोक भी नहीं रहा है, तू तो नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है ना, नेशन फर्स्ट, नेशन इंटरेस्ट, तो ये देश के लोग मेरे को क्यों नहीं रोक रहे? तू रोज इनके लिए हाथ से मिसाइल छोड़ता है पाकिस्तान पे, तेरी क्या इज्जत है, कोई रोक रहा है मेरे को यहाँ पे? वो देख पीछे देख, 2 बुड्ढे थम्स अप दिखा रहे हो, उनका देख, तेरा कोर फैन बेस ही तेरे साथ नहीं है। अभी बोल डिबेट करेगा इज्जत से या बेइज्जती करूं कैमरा के साथ, चॉइस इज माइन। निकाला मैंने फ़ोन, फिर उसका वीडियो बनाया, मुंबई टू लखनऊ फ्लाइट थी, मैं जा रहा था किसी शो के लिए, वो जा रहा था वहाँ पे छोटा फैंटा का इंटरव्यू लेने। अच्छा सुनो सुनो, 1 सेकंड, इधर से इधर ऑरेंज, ठीक है, ये खाली खोलोगे तो गुनगुने आएंगे, तो छोटा फैंटा में क्या प्रॉब्लम है?
ठीक है ना, वो छोटा फंटा का इंटरव्यू लेने जा रहा था, मैं तमिलनाडु रहता हूँ, इतना मजा तो कर ही सकता हूँ। इंडियन पुलिस लीग में कभी यूपी पुलिस के साथ तमिलनाडु पुलिस का मैच हुआ, देखेंगे आउटकम फिर। हमारे पास भी टाइम नहीं है अभी लाइफ में, वो आ जाएंगे यूपी से, हमारे सीएम को इसने छोटा फैंटा बोला। फैंटा तो समझ में आ रहा है, बाकी का तमिल में लिख के लाओ। तो तमिलनाडु का ये तो मजाक तो सेट है उधर। फिर जैसे ही फ्लाइट से उतरे, मैंने वो वीडियो अपलोड किया, फिर फ्लाइट में जो भी फ्लाइट अटेंडेंट्स को इनकन्वीनियंस हुआ उनको सॉरी वॉरी बोला, फिर निकल गया मैं। वीडियो अपलोड हुआ, बहुत मतलब मज़ा आ रहा था, मज़ा आ रहा था। एविएशन मिनिस्टर आ गया, क्यों, किस वजह से? उसने बोला मुझ पर फ्लाइट बैन लगना चाहिए। ओके, लेजिट। एयर इंडिया ने पहला फ्लाइट बैन लगाया 6 महीने का, मैं था इंडिगो पे। एयर इंडिया ने फ्लाइट बैन लगा दिया तो इंडिगो ने बोला हम क्या इसको बिग बॉस के घर भेजे? एज वी ऑल नो, इनिशिएटिव लेने में एयर इंडिया कोई नहीं पकड़ सकता। क्या भाई इनिशिएटिव लेते नहीं एयर इंडिया वाले? कभी देखा है आपने उनको? दिखते हैं आपको कभी एयर इंडिया वाले को कभी किसी पैसेंजर को ढूंढते हुए देखा? कभी वो स्ट्रेस में हुए लास्ट कॉल पे? इंडिगो स्पाइसजेट वाले प्राइवेट वाले वहां पे गला फाड़ रहे हैं, जैसे पगार कट जाएगा उनका। सुकेश नैना ब्रिज भूषण लास्ट कॉल। एयर इंडिया वाले को भी देखा? एयर इंडिया वाले उल्टा 4 पैसेंजर एयर इंडिया का फ्लाइट ढूंढ रहे होंगे। 16 घंटे पहले जोधपुर जाना था, अभी तक सिर्फ कोस्टा कॉफी का कूपन दिया है। एयर इंडिया वाले अनाउंस करते हैं पेजिंग फॉर लास्ट पैसेंजर पेजिंग। एयर इंडिया वाले कभी अनाउंस करते हैं? एयर इंडिया वाले, मैं एक बार एयर इंडिया का अनाउंसमेंट सुना था कि उनका पायलट नहीं मिल रहा। वो अनाउंस कर रहे हैं, अरे चड्डा जी आ जाइए, सब रुके हैं, बोर्डिंग कंप्लीट, वेटिंग टू क्रॉस चेक एंड रिपोर्ट। एयर इंडिया वाले यार, मेरे को बैन किया 6 महीने के लिए, वही रात को एक दूसरे कुणाल कामरा को न्यूयॉर्क में ऑफलोड कर दिया। मतलब वो बेचारा कुणाल कामरा 40 किलो के बैगेज का गाजर लेके अपनी पूरी फैमिली की खुशियों को डिब्बे में भर के एयर इंडिया के भरोसे वहां आया, और एयर इंडिया वाले ने उनको बोला कुणाल कामरा आप पे 6 महीने का बैन। कैसे है, क्यों है, हमको नहीं मालूम, आप देखो अभी। तो उसने सर्च किया कुणाल कामरा, ओके एविएशन मिनिस्टर नामर दर्नम, ओके सर आपको गलत फहमी हुई है, ये है वो कुणाल कामरा जिस पे बैन है, ये है वो कुणाल कामरा, ये है कुणाल कामरा का इंस्टाग्राम, ये कुणाल कामरा की फोटो, ये मैं कुणाल कामरा, ये मेरा इंस्टाग्राम, ये मैं घर पे दिवाली की पूजा करते हुए, ये मैं अपने भतीजे की मुंडन पे, ये मैं कुणाल कामरा। इंडिया वाला बोल रहे देखो भाई, जो वीडियो की वजह से कुणाल कामरा पे बैन लगा है ना, वो वीडियो में वो दिखता ही नहीं है। हमको कैसे पता है कौन सा कुणाल कामरा है? छोटा मोटा आदमी बैन नहीं किया है, एविएशन मिनिस्टर है, और उसके पास एक ही एयरलाइन है, हम रिस्क नहीं ले सकते। घर जाओ कल परसों सॉर्ट आउट करता है। घर चले गया बेचारा, वो सबसे बैन हो गया। फिर
अब ये टाइम पे किसका फोन आएगा? स्कूल फ्रेंड का, जो कुछ पोजीशन ऑफ पावर में है नहीं कुछ करने के लिए, कुछ उसका इक्विटी नहीं है, वो फोन कर रहा है मेरे को, ब्रो 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 कल सुबह को ना गो एयर का फ्लाइट है सुबह 6:30 लखनऊ टू मुंबई, और मैं गो एयर का सोशल मीडिया देखा, उन लोगों ने तेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं है। आई एम लाइक भूल गए होंगे या बंद हो गई होगी, ऐसे कैसे नहीं बोला? बोला नहीं यार, एक काम कर तू टिकट खरीद पहले। बोला उससे क्या होगा? अरे खरीदना, खरीदा। फिर उसके बाद मैंने बोला अभी क्या करें? बोला अभी तू गोयर से सोशल मीडिया में डीएम करके पूछ कि तू बैन है कि नहीं। मैं बोला और मेरे को क्यों जवाब देंगे उन लोग? बोला है ना ये तुम लोग का ब्लू जेन्यू, ब्लू टिक को नहीं देंगे जवाब तो किसको देंगे? बोला भाई सचिन, कभी कभी इंसान को पता ही नहीं होता है उसके प्रिविलेजेस क्या है, रखता हूँ। मैं गोयर में गया, मैं पूछा मैं बैन हूँ क्या? उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला मतलब मैं फ्लाइट चढ़ूंगा तो मुझे लोग खींच के निकालेंगे, और फिर उसका कोई वीडियो ले रहा होगा, क्योंकि ये स्टंट मैं कल ही मार के आया हूँ। तो उसने बोला सर हम कल सुबह 9 बजे अनाउंस करेंगे, तब तक पहुँच जाओ क्या? कौन देख रहा, 9 बजे हम अनाउंस करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं होगा। आई एम लाइक यार ये नेसवाड या ड्रग्स वाला आदमी है, अपना आदमी है। फिर बस गया मैं 5 बजे कैंपिंग कर रहा हूँ उधर लखनऊ एयरपोर्ट पे, सब टीवी पे मेरा डिबेट ही म्यूट में चल रहा है। मस्त मैं सोच रहा हूँ 5:55 जाऊँगा, जैसे कि खींचने का भी हुआ नाटक ना, तो वो बस में ही निपट जाएगा, कोई और देखेगा नहीं। 5:55 हो गया, खाली लग रहा गेट, मैं जाने के लिए उठ ही रहा हूँ, अनाउंसमेंट, पेजिंग फॉर लास्ट पैसेंजर कुणाल कामरा। पूरा एयरपोर्ट, ऑल्सो लास्ट पैसेंजर अर्नब गोस्वामी। वो भी छोटे फैंटा को बड़ा करके नेक्स्ट डे मुंबई ही वापस आ गया। और तभी गोयर को रिलाइज हुआ एक सेकंड, ऐसा लगता है हमसे कुछ गलती हुई है। और जब ही अनाउंसमेंट हुआ ना, मैं अर्नब को देख सक रहा था, उसके शक्ल पे ये था कि, और मेरे शक्ल पे ये था कि इंडिगो तो बस झाकी है, गोयर अभी भी बाकी है। ये तो मेरा कागज हो गया।